हमारा प्लान जो है ना वो कल का कैंसिल हो गया था और हमने चेंज करके ना तो उसको आज के दिन पे रख लिया था, क्योंकि कल अगर जाते ना तो हमारा दिन ही जाया होता था, फायदा कोई नहीं था होना जाने का। गाइस अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, बैग वगैरह मैं ना ले लेता हूँ और उस्मान भी जो है ना वो मेरे पास आ गया, भाई वेट कर रहा है मेरा काफी देर से। कश्मीर के दूध के अंदर एंटर हो गए हैं, ये हमारी जो है वो खिम्बर का इलाका है, बस आज हमने इसे एक्सप्लोर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले हैरानियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे मजे में होंगे। सो गाइस मोहम्मद हाशिम वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले जाके ना जल्दी जल्दी कमेंट्स में जो है ना मेरे सलाम का जवाब देना आप लोग, ठीक है। मौसम जो है ना वो काफ़ी आप देख सकते हैं बहुत ही सुहाना सुहाना सा मौसम हुआ हुआ है। और अभी जो है ना हम कुछ देर तक निकलने लगे थे, टाइम 11:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि हम हमेशा हर जगह पे लेट ही पहुंचते हैं, वैसे ये हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा भी सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, 12 बजे तक हमने ना बस स्टैंड पे पहुंचना, क्योंकि अभी मैं जाके रेडी होता हूँ। मैंने अपनी ड्रेसिंग में जो है ना वो थोड़ी चेंजिंग कर ली है, क्योंकि सियालकोट में एक दफ़ा ही बारिश होने के बाद इतने ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है, ठंड हो गया काफ़ी ज़्यादा। अभी पहले जाके फटाफट से तैयार होते हैं, बाकी बातें जो है ना आपसे साथ साथ करते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने बुगी बॉयज़ की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर ले, हमारी वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा उसका दबा के, साथ बेल का आइकन होगा उसको घंटी पे दबा दें, उससे मेरा क्या फायदा। गैस ये आज के दिन की ड्रेसिंग है मेरी, ये मैंने शर्ट जो है ना उसकी जगह चेंज कर ली थी पोलो की जगह, क्योंकि पोलो में ठंड काफी लगनी थी तो ये बेस्ट है उसकी जगह। A few moments later. Guys, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, रजाइयाँ वगैरह निकाल लें आप लोग, गर्म कपड़े निकाल लें, क्योंकि आज नहाने के बाद जो है ना अंदाज़ा हुआ ठंड ने अपना आप बताया कि भाई माँ आ गई हैं, तुम लोग अपना इंतजाम कर लो। अब रेड शेडी होते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो गाइस अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, बैग वगैरह मैं ना ले लेता हूँ और उस्मान भी जो है ना वो मेरे पास आ गया, भाई वेट कर रहा है मेरा काफ़ी देर से, मैं ना खाना वगैरह खा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो निकलते हैं अभी यहाँ से हम। अच्छा माँ जी, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, मैं कैसा लग रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो यार ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद जो है ना हम लेट नहीं होना चाहते। बारिश आप देख सकते हैं अभी भी हल्की हल्की हो रही है और यहाँ पे कीचड़ देखिए कितना ज़्यादा हो गया। इस व्लॉग में हमने आपको कीचड़ नहीं दिखाना, आपको नेचर दिखाना है, तो कीचड़ मत दिखाओ। कीचड़ भी तो नेचर का हिस्सा ही होता है ना, क्यों गाइज। गाइज आई एम ट्राइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, ये जो हमारी थी ना ही बोल क्या भी की व्लॉगिंग कर रही है यार, ये हमारी जो हम लेके आए थे उस दिन। गाइस फिलहाल तो अब हम यहाँ से गाड़ी पे जाने लगे हैं अपने बस के छोटे भाई को लेके ना, तो फिर हम जाएंगे बस स्टेशन पे, वहाँ से सॉरी बस स्टैंड पे, तो वहाँ से फिर हमें वो ड्रॉप करके गाड़ी वापस ले आएगा, और फिर जब हमने वहाँ से वापस आना होगा ना अपना टूर मुकम्मल करके, तो फिर शाम के टाइम हमें वही ले जाएगा। तो अभी चलते हैं इसके छोटे भाई को वहाँ से लेके सीधा बस स्टैंड पे। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है वो सफ़र जो करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन घर कोई कोई पाता है। दरअसल हमारा ये जो सफ़र है ये बड़ी प्लानिंग्स और बड़े सालों से हम प्लान कर रहे थे कब हमें टाइम मिलेगा, समटाइम्स टाइम नहीं था मिलता, समटाइम्स बजट प्लान नहीं था होता, और अभी भी बहुत सारी चीज़ों से हम बाहर आके इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। और यहाँ से अब हम निकलते हैं, अपने छोटे भाई को पकड़ते हैं, और फिल फोर गाड़ी पकड़ने के बाद हम यहाँ पर कश्मीर का जो मेन दरवाज़ा है बाबे कश्मीर, यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं। ओके सो लेट्स हैव अ क्विक टूर ऑफ रूम गाइस। सबसे पहले यहाँ पे ये बेड लगा हुआ है, ठीक है,
इसके अलावा उन्होंने ये LCD लगाई हुई है मैच देखने के लिए, और ये हैं कबर्ड्स, कबर्ड्स हैं यहाँ पे, कंबल चंबल उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक साइड टेबल है, और इस साइड पे है ये एक गदर वाशरूम, जहाँ से आता है व्यू है बाहर का, और बाहर आए तो ये थोड़ी सी हमें स्पेस मिलेगी, और नीचे है गली, ठीक है। यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, और यहाँ पे लोकल लोग जो रहते हैं गाइस, सही है वही हो गई हो। अच्छा कुछ नहीं, मैं और आसमान पर बदल गया था, लेकिन लाइट पर भी ओके। यार ये रूम है हमारा जो आपने देखा है, ठीक है, एक डिसेंट सा माहौल है, बड़ा बेहतरीन सा। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करके जो है वो थके हुए हैं अभी हम, फिर उसके बाद देखते हैं क्या वो प्लान है। हेलो गाइस, अभी हम जो है ना अपने रूम में पहुँच के यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं कुछ देर के लिए। ये भी मेरे साथ है, तो अभी कुछ देर रेस्ट करते हैं। अभी हम TV वगैरह देख रहे हैं, मैच लगा हुआ साउथ अफ्रीका का और नैदरलैंड का, देखते हैं कौन जीतता है। मैच फिनिश होता है फिर उसके बाद बाहर चलेंगे, ज़रा आउटिंग शूटिंग करके आते हैं, कुछ खाना वगैरह खा के आएंगे, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाएंगे। और ठीक है, अभी हम इधर आए हैं रेस्ट कर रहे हैं गाइस, यही मैडे। सो गाइस, अभी हम जो है ना फ्रेश वगैरह हो रहे थे, क्योंकि बाहर कुछ दोस्त आए हैं यहीं के रहने वाले हैं वो भिम्बर के, तो उनसे यहाँ पे आने से पहले हमने मतलब बात वगैरह कर ली थी। वो कह रहे थे कि यहाँ पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, तो अभी वो ना जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं ना, वो उसी होटल के नीचे आ चुके हैं। उस्मान फ्रेश होने गया, मैं फ्रेश हो गया हूँ अभी, वो फ्रेश होने गया, फ्रेश होकर निकलता तो फिर नीचे उनके पास चलते हैं। वो मैं बता, मैं खुद बनाता रहा हूँ, लेकिन वो उतना फिर इधर हमारे ट्रेंड को ना, हालांकि हमारे इधर ना डिडियाल साइड पे ना वो लड़के हैं उधर, हर बंद यार। ये हमारे कासिम भाई जिन्होंने यहाँ पे रिसीव किया, और अभी फिलहाल यहाँ पे आया चिकन फ्राई, चिकन मुझे शाही दाल शाही चना की मांग का फोटा फ्राई दाल फ्राई कितना टाइम लगेगा फ्राई कर दिया ना यार। तो यहाँ पे किचन भी बना कर देना यार। ये खाना शाना जो है वो आ गया हमारा, ये अब खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का। यार खाना शाना जो है वो हमने अलग जगह खा लिया, सारा खाना खाने ये दो उनकी डिशेज थी मेन, एक जो था वो कढ़ाई थी, एक जलफ्रेजी थी, वो हमने आपको नहीं दिखाई क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, आपको पता चला चली खाए। तो अभी ये सारा फिनिश कर लिया अलहमदिल्ला, और अभी हम यहाँ वापस आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया भैया। यार काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे खाने का। वैसे नॉर्मली हम जितना भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं खाने के लिए वो हमारा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। वाओ गाइस, दिस इज आवर रूम। वाओ गाइस, एसी भी लगा हुआ है, तो अगेन इसी बताया एसी लगा हुआ है, लेकिन इसको हमने चलाना। A few moments later. तो गाइस अभी हम खाना वगैरह खा के वापस आए हैं, ठीक है। वो भाई जो थे हमारे दोस्त, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आज का डिनर जो है ना उनकी तरफ से था, तो बहुत शुक्रिया वो हमें यहाँ पे आके मिले, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब जो है ना हम यहाँ पे जाने लगे हैं बाहर, अभी टाइम हो गए हैं आप देख सकते हैं 10 बजने वाले हैं, तो अभी जो है ना हम बाहर जाके देखते हैं रात को यहाँ का माहौल कैसा होता है, यहाँ पे एंजॉय करते हैं, चिल चिल मारते हैं, जरा ठंड को जो है ना वो एंजॉय करके आते हैं। अरे इधर मार्केट ही सारी बंद हो गई हुई है। अरे 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 मुंडे, इन्हें क्या पता है सानू तेरे को होंडा इधर फिल्ट्रेशन प्लांट भिम्बर का। सलाम अलैकुम, हां जी चाचू जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? नहीं नहीं ले लेते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। है
वैसे किस किसने चॉकलेट खाना कमेंट्स में बताया? अच्छा नहीं खाना, एक ही बड़ा यार आ दे दा, मजा नहीं हुआ। फिसाई फिसाई क्या ताला ले और आ दे दिस वन यार फ्रेश ले आया मैं, टूटे बिस्कुट फट जाना मैं ये वाला। गाइस जिसने रियो खाना है वो कमेंट में बता दे, डिस्काउंट ऑफर है गाइस ऑल पर्स की, एक लीटर बोतल 250 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल जी? ठीक ठाक हो? सेहत तो भैया ठीक जी। यार फ्राइज कितों मिलेगी भला तो? यहाँ से नहीं, बाहर कह रहा हूँ कहीं से। इस टाइम मतलब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। किस जगह से? सुमन चौक से ना। सुमानी चौक से जी। ठीक हो गया, शुक्रिया। गाइस अभी 10 बजे ही हम यहाँ से बाहर निकले थे और यहाँ के शॉप्स मार्केट एवरीथिंग ऑफ, सब कुछ बंद हो गया हुआ है। हमारे सियालकोट में जो है ना वो 10 बजे तो मतलब हमारी आवाम के लिए दिन चढ़ता है, यहाँ पे 10 बजे सब कुछ बंद करके सब कुछ आके सो जाते हैं लोग। वहाँ हम 10 बजे रात को, आपको पता रोज़ आउटिंग पर जाना होता है तो 10 बजे हम निकलते हैं वहाँ से, सीरियस बात है। और यहाँ पर अभी 10 बजने में 5-7 मिनट हैं अभी, और मोस्टली जो शॉप्स वगैरह में सारी बंद है। और यहाँ पर हमारे मुँह से फॉग भी निकली है, देखें आपके मुंह से निकल रही है। अबे सियालकोटियों सियालकोटियों के मुंह से तो निकलनी होनी अभी, यहाँ में देखिए यहाँ से निकल रही है अभी। गाइस ये रास्ता जो है ना ये हमारे होटल की तरफ जाता है और हम अपने होटल के पास पहुँच गए हैं, सारा घूम फिर के सारा एक्सप्लोर करके। ये बिल्डिंग है हमारे होटल की, सो गाइस अभी जो है ना हम अपने रूम में आ गए हैं यार, सारा एक्सप्लोर करके। यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला फिलहाल तो कुछ नहीं था इस टाइम, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था ओवरऑल। कुछ दुकानें थी जिस तरह मतलब सियालकोट में रात को लेट नाइट हमारे तो वहाँ पे 3 बजे तक खुली रहती है ना, तो यहाँ पे तो मतलब कुछ दुकानें सिर्फ खुली हुई थी खाना वगैरह खाने वाली, फास्ट फूड की और कुछ देसी खाने वगैरह की। अभी हम कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए थे अपनी, हमने सोचा रात को इंजॉय करेंगे, मूवी शूवी देखेंगे, सारा चीज़ खाएंगे। वो आपका बुगी बॉय बैठा हुआ है, तो आई थिंक सो कि इस ब्लॉग को जो है ना वो भी यहीं पे एंड कर देना चाहिए। कल सुबह दोबारा से जो है ना आपसे मुलाकात होगी, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।